फाइनली ब्रूटो मांगा चैप्टर 71 रिव्यू। रेट तो कर ही लिया होगा भाई, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर रेट कर लिया तो तुम लोगों को पता है हमारा जो कोड है मेन विलेन ब्रूटो के अंदर, ही हेट्स कवाकी सो वेरी टेरी मच, और वो लास्ट में बहुत ज्यादा गुस्से में था और कहीं जा रहा था ये बोलते हुए कि आई विल रेक एवरी सिंगल थिंग, होकागे जो फिलहाल नरुटो है एंड द होल कोनोहा विलेज, वो सबको मार देगा, वो सबको मार देगा ब्रो। एंड नाउ ही कैन डू इट इजीली, व्हाई? बिकॉज़ वो अभी एकदम अपने फुल पावर में है। एंड लेट मी रिमाइंड यू, वो अभी इशिकी जो है उससे भी ज्यादा पावरफुल है, जिसको हराने में नरुटो सासुके दोनों की फट गई थी और कुरामा अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, बट अभी फिलहाल उससे भी ज्यादा पावरफुल कोड है और कोड बस अवे करेगा नरुटो एंड सासुके, खत्म। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हर एक बोरुटो मांगा रिव्यू के अंदर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि चैप्टर से कैसे एंड ऑल रीड रीड करना है, तो या एकदम सिंपली शॉर्ट में समझा देता हूँ कि भाई अगर तुम लोगों ने बोरुटो का 220 एपिसोड देख लिया तो आगे एनिमे देखने की जरूरत नहीं है, बाहर में जाए सारे फिलर से, आगे से बस 55 चैप्टर से लेके एकदम रिसेंट चैप्टर 15-16 चैप्टर से बस वो रीड कर लो, काम खत्म, पैसा हजम। और अगर वो रीड करने का टाइम नहीं है तो मेरे वीडियोस देख लो, 3 वीडियोस है, तीनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, फिर सब समझ में आ जाएगा। हाँ चलो अभी शुरू करते हैं चैप्टर 71 रिव्यू। ये चैप्टर 71 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जिसके ऊपर फोकस किया गया वो है कोड एडा डायमंड एंड अमाडू, और उनके बीच में जो बातचीत हुई वो सच्ची में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 70 का एंड तुम लोगों को शायद याद है, कोड अपना फुल पावर ले लिया एंड एकदम से अमाडू को मारने वाला होता है, तब मैंने बोला कि भाई अमाडू इतनी जल्दी नहीं मरने वाला है, तो या यहाँ पर शुरू में हम लोगों को दिखाई दिया कोड एकदम से मारने वाला होता है एंड या अमाडू ने अपना दिमाग लगा दिया एंड एडा को बोला Wait, a word about Kawaki. Kawaki के बारे में कुछ बोलना है, और तुमको पता है ना एडा के वीकनेस का है Kawaki, या फिर तब जाके हम अमाडो को बोलते हुए देखते हैं कि Kawaki is the ace of my sleeve. अगर कुनोहा मेरे को एकदम से एलिमिनेट करना चाहते हैं या फिर मेरे को बिट्रे करना चाहते हैं तो, और ये सुनने के बाद एडा वॉज लाइक what the fuck, what are you saying? Explain. But वो वाला moment, वो वाला situation बहुत ज्यादा हीट अप था, बिकॉज भाई कोर्ट के पास अपना फुल पावर था, वो मारने वाला होता है भाई अमाडो को, बट बार बार एडा वॉज लाइक नहीं कोर्ट मैं बात कर रही हूँ प्लीज इंटरप्ट मत कर, और अमाडो बार बार Kawaki के बारे में बोल रहा था, बिकॉज अमाडो को पता है भाई एडा की वीकनेस क्या है, ऑब्वियसली इट्स Kawaki, और कोर्ट को भी पता है अमाडो इसलिए सब बोल रहा है ताकि वो बच जाए एंड कोर्ट मारने वाला ही होता है, तब भी जाके एंट्री होती है डायमंड की। भाई साहब एकदम से आके कोर्ट को रोक देता है ब्रो। यहाँ पर राइटर ने बहुत बढ़िया काम किया, वो ये है कि एक कैरेक्टर के साथ दूसरे कैरेक्टर को चिपका दिया, तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के लिए फिकर करता है। एज एग्जाम्पल यहाँ पर मेन विलन कौन है, कोड, और कोड किसको मारना चाहता है, हमारे नरुटो को, बिकॉज नरुटो ने मारा इशिकी को एंड उसका बदला लेना चाहता है कोड, बट वहां पर नरुटो को प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा Kawaki, एकदम से वो सब कुछ कर डालेगा नरुटो को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड Kawaki को प्रोटेक्ट कौन करना चाहती है, हमारी एडा, बिकॉज एडा लव्स Kawaki, और वहां पर डायमंड किसको प्रोटेक्ट करता है, एडा को, बिकॉज डायमंड सिस्टर्स इज एडा। यहाँ पर ये जो चीज है ना, राइटर ने एकदम से एक दूसरे के साथ चिपका दिया एंड इट्स लाइक वो बहस तो कर पाएंगे बट एक दूसरे को मार नहीं पाएंगे। बेसिकली अमाडो अपने आप को बचाने के लिए बिग ब्रेन यूज करता है, Kawaki का टॉपिक लाता है एडा के सामने एंड एडा वॉज इंटरेस्टेड, वो सुन रही थी, बट हमारे कोर्ट को पता है कि ही इज बाइंग टाइम, तो इसलिए कोर्ट अमाडो को मारने वाला होता है, बट बीच में आता है डायमंड और हमको क्लच देखने को मिलता है डायमंड वर्सेस कोर्ट। भाई साहब कितना बढ़िया क्लच था ये, उन्होंने तो डायरेक्टली बोला चल देखते हैं अभी बहुत हो गया, देखते हैं क्या होता है, एंड उनके बीच में 1v1 हुआ ब्रो, बता है। देखो अभी तक हम सब लोग सोच रहे थे कोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है, बट जब डायमंड के साथ 1v1 हुआ मेरा थिंकिंग बदल गया, बिकॉज लिटरली भाई डायमंड ने कोर्ट को पेल दिया, एकदम से पेल दिया। डायमंड कोर्ट के ऊपर हमला करने के बाद ये भी बोलता है कि इशिकी जो है उससे ज्यादा पावरफुल तू है, तो या यू कैन इजीली बीट नरुटो एंड सासुके एट ऑन्स। डायमंड को भी पता यार ये बात, और हम फैंस यू नो मर रहे अंदर ही अंदर की नरुटो एंड सासुके इतना कमजोर क्यों है, आराम से उड़ा सकता है ब्रो। कोर्ट अभी फिलहाल जो इशिकी है उससे ज्यादा पावरफुल है, बट स्टिल वो और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, ये तुम लोगों को भी पता है, एंड शायद तब वो डायमंड को आराम से इजीली हरा सकता है, बट अभी फिलहाल डायमंड इज समथिंग एल्स भाई, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, बट स्टिल ब्रो अगर वो लोग चाहे तो कुनोहा को
चुटकी में उड़ा सकता है भाई। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू कोड एडा डायमंड एंड अमाडो। अमाडो एडा को एकदम से सब कुछ बोलता है, कवाकी का जो कार्मा है वो रिगेन कर लिया एंड वो इशिकी का जो एबिलिटी है वो इनहेरिट कर लिया ब्रो। और अमाडो ये भी बोलता है कि इमरजेंसी यूनिक शटडाउन कमांड कोड है जो बस अमाडो यूज कर पाता, और ये बोल के अपने आप को बचा लिया बिकॉज एडा लव्स कवाकी ब्रो। और तुम लोगों को पता शिकेमारो ने एडा को ऑफर दिया कोनोहा ज्वाइन करने के लिए, बातचीत करने के लिए एंड एक साथ बैठ के सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए बिकॉज एडा लाइक्स कवाकी और वो लोग बातचीत कर सकते हैं। एंड सेम ऑफर हमारा अमाडो एडा को फॉलो करने के लिए बोला बिकॉज अमाडो चाहता है एडा एंड डायमंड जो है वो जाए कोनोहा पे, उनके साथ कोऑपरेट करे और वहां पर बैठ के सब कुछ ठीक ठाक करे, बातचीत करे ऑल। और तब एडा शर्मा गई। एडा इज लाइक क्या ये तुमको भी लगता है मुझे ये करना चाहिए? भाई यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, जब भी यहाँ पर ये सारे चैप्टर्स एकदम से एनिमेट होंगे तो यहाँ पक्का एडा विल बी योर फेवरेट, एकदम से वाइफ लिस्ट में आ सकती है। शी इज सो स्वीट एंड कवाकिस नेम इज इनफ टू मेक एडा वेट ब्रो लिटरली। उनका कन्वर्सेशन यही तक रुक जाता है, उसके बाद हमारा कोड बोलता है उसका जो मिशन है वो है डिवाइन ट्री को कल्टीवेट करना एंड एकदम से न्यू उत्सुत्सुकी बनना ब्रो, जिसके बाद हमारा कोड और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अभी तो पावरफुल है बट और भी ज्यादा होगा भाई। एंड उसके बाद एडा की जो एबिलिटी है वो कोड के ऊपर काम नहीं करेगा, तो ये बोलते हुए कोड चला जाता है बहुत ज्यादा गुस्से में, मतलब कहीं जा रहा होता, जाते हुए ये बोलता है कि कवाकी को वो बहुत ज्यादा हेट करता है एंड सबको मार देगा, जिसके लिए कवाकी बहुत ज्यादा यू नो एकदम से प्यार व्यार दिखाता है जैसे नरुतो एंड द होल कोनोहा ब्रो। एंड कोड बहुत ज्यादा गुस्से में था। चैप्टर तो यहीं पर खत्म होता है। अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन दूं तो मेरे को लगता है कि अमाडो अपने दिमाग में कुछ घुसा के रखा है। आई डोंट नो अमाडो इस साइड में या फिर उस साइड में, उसको अभी रीड करना बहुत ज्यादा ही भाई मुश्किल है। आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बट अगर सच्ची में एडा कोनोहा की तरफ आ जाए तो मजा आने वाला है, बढ़िया लगने वाला है, क्योंकि कोड ऑब्वियसली कोनोहा के ऊपर हमला करने वाला है एंड कोनोहा को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी फिलहाल कोई नहीं है उतना पावरफुल। तो या एडा एंड डायमंड कैन हेल्प, आई डोंट नो ये होने वाला या फिर नहीं, बट या देखते हैं। तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन खुला है यार दे तो। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो सब लोग मिलकर दबाओ लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दो। नेक्स्ट मंथ आएगी नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर वीडियो, शायद नेक्स्ट मंथ कोई चैप्टर नहीं आएगी, एक महीने का ब्रेक शायद चल रहा है, आई एम नॉट श्योर। तो चलो बन कर तो बातचीत कर सकते हो इंस्टाग्राम पे आके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आ जाओ वहां पर सब कुछ करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। You have the power to shape your own destiny, and on the one in a million chance that something goes wrong, I will die right along with you. Ever since the day I met you, my whole Nindo has been to make you the most splendid ninja possible. I promise.